प्यारे व्यूवर्स का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आप आजकल सुन रहे होंगे बहुत ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, है ना, और कोरोना से इन्फेक्टेड जो लोग हैं उनके लिए बढ़ती हुई परेशानियां। दोस्तों, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो जब से 2020 में फरवरी से जब से कोरोना का चक्र शुरू हुआ, तब से मैंने समय समय पे वीडियोस डाली हैं कि आप ये खाएं और ये ना खाएं, ये ना खाएं, अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाए रखें। तो वहाँ उन वीडियोस का भी लिंक मिलेगा, तो वह भी आप देखिएगा। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये क्या चीज़ है। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि मैंने जो PhD की थी वो मैंने बायोफर्टिलाइजर में की थी, फंजाई, जो कि हेल्दी है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी फंगस था। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि प्लांट्स की बीमारियाँ, जैसा टॉपिक आप देख रहे हैं, नाम लिखा है, पौधों की बीमारियाँ और इंसानों के लिए कष्ट, ये कैसे। देखिए, फंगस जिसको कि कहा जा रहा है कि म्यूकर माइकोसिस, ये नाम है। देखिए, फंजाई के अलग अलग नाम हैं, रॉट, स्मट, है ना, इस तरह से ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये अलग अलग तरह के हैं। आपने देखा होगा गन्ने में एक लाल रंग की लाइन होती है ऊपर से नीचे तक, इसलिए जो लोग गन्ने का जूस पीते हैं उनको पहले देख लेना चाहिए, गन्ने को आप चेक कर लें, जिधर से वो कटा हुआ है तो आपको दिख जाएगा। अगर उसमें वहाँ पे वो लाल, जैसा मैंने आपको मूलियों में दिखाया है कि मूलियों में ब्लैक कलर की एक जो है पूरे में लाइन चलती है, तो ये क्या है, ये प्लांट्स के इन्फेक्शंस हैं। और नेचुरल है कि जब उस इन्फेक्शन वाले पदार्थ को आप खाएंगे तो आपको कष्ट आएगा। लेकिन कोरोना के समय में, क्योंकि हमें अपने सिस्टम को मजबूत रखना है और जो लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके हैं उनका सिस्टम कमजोर है, तो ये कहां से आ रहा है, ये उड़कर के कहां से आ रहा है। बात ये है कि ये आपके खाने पर पीने के पदार्थों से ही आ रहा है, और क्योंकि पहले से इन्फेक्शन हो चुका है तो ये एज ए जो वायरस है जिसने कुछ कंपोनेंट्स को बॉडी में, हार्मफुल कंपोनेंट्स को जो रिलीज किया आपकी बॉडी में, तो वह बॉडी इन फंगस के ग्रो करने का एक तरह से जो है फील्ड बन जाता है। वो जो कंपोनेंट्स हैं वो इन फंगस को तेजी से ग्रो करने में जो और मदद करते हैं, इस तरह से ये अटैक करते हैं। एक नॉर्मली भी आप देखें तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्प्राउटेड आपको आलू नहीं खाने हैं, जो कि हरे रंग के आलू नहीं खाने हैं, है ना, अदरक नीले रंग का हो तो नहीं खाना है, मूली काली हो तो आपने नहीं खाना है, इस तरह से। यहाँ आपको बहुत सारी फोटोग्राफ देखने को मिलेंगे, तो यहाँ मैंने फोटो की जैसे बनाना में डाला है, तो अगर बनाना खराब हो चुका है तो वाइट वाइट ऊपर हो चुका है, वो आपने नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने उसको काटा और आधे हिस्से को आप जो ठीक है उसको खा लें, आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यह कोरोना का समय चल रहा है। इस समय में आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें अपने सिस्टम को या अपने बच्चों के इम्यून सिस्टम को आप नुकसान न पहुंचाएं। दूसरा, जो बनाना खुल चुका है उसका ऊपर से अगर लेयर खुल चुकी है तो वह आपने नहीं यूज करना है। इसी तरह से आप प्याज देखेंगे, प्याज के ऊपर ब्लैक ब्लैक आपको दिखेगा, वो भी फंगस है, तो उस तरह का प्याज आपने नहीं यूज करना है। और अगर यूज करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने वेजी वॉश बनाया हुआ है जो कि टोटल हर्बल वेजी वॉश है, तो आप ऐसे पदार्थ से आप वॉश करें, और आप मेरा मंगवा भी सकते हैं, जो लोग मंगवाते हैं मैं उनको भेजती हूँ बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से, कोरियर से भेजती हूँ, तो आप उसको भी वेजी वॉश को भी मंगवाएं ताकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप अच्छे से डिसइंफेक्ट कर सके, क्लीन कर सके। तो फंगस आपने देखा प्याज में, फिर आप देखिए टमाटर में, टमाटर में भी देखिए ये ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है। टमाटर में आपको जो है हरे हरे बीज दिखे, जिस टमाटर के अंदर बीज हरे हरे हों वो आपको नहीं खाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये देखें, चीकू में भी आप देखें कि ये ऊपर से वाइट वाइट हो गया है, जो चीकू इस तरह से थोड़े से हो जाते हैं वह अगर आप अंदर से खाएंगे काट के तो वो खट्टे होंगे, वो मीठे नहीं होंगे, वो खट्टे होंगे, इसलिए चीकू लेते समय भी जो दबा हुआ हो या बिल्कुल पिलपिला हो वह चीकू आप बिल्कुल भी ना लें। आप ये ना सोचें कि वो बहुत पका हुआ है तो अच्छा होगा।
और चीकू एक ऐसा फल है जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो आपने उसको लेना है और लेकर के आपने 24 घंटे के अंदर ही आपने उसको यूज कर लेना है। अच्छे से वॉश करिए और वॉश करके आपने छिलका उतार करके आपने उसको, कोई भी फल आज के समय में, देखिए कहा जाता है कि सेब जो है छिलके के साथ खाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी फल है इस समय में आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें और छिलका उतार करके ही फल खाएं, और बच्चों को भी वैसे ही। और मैंने बताया भी है कि फ्रूट्स को आप मिक्स कर लें, उसको मिक्स फ्रूट्स चाट बना करके आप बच्चों को दें। तो इस प्रकार से यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी महिलाओं के लिए, यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज इसे शेयर करें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और अपने साथियों को आप बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जो वीडियो है वह मिले, जानकारी मिले और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप जब फ्री होंगे। इससे फ़ायदा क्या है सब्सक्राइब करने से, ये फ़ायदा है कि आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष पे नई आ गई है, तो आप जब फ्री हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।